हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। अभी हम रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने नोट्स को अच्छे तरीके से देख लिया था, आई होप सो आपने वो देखा होगा लेक्चर। तो इसके नोट्स अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसको 3 पार्ट में करेंगे। 21 21 क्वेश्चन रहेगा हर एक पार्ट में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट में अगर मैं बात करूँ, इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोजिस, ग्लूकोज कैसा मेरा पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है कि पार्शियली रिड्यूज होता है? पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस मेकर एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस के अंदर पेस मेकर कौन है? मेरा हेक्सोकाइनेस है क्या पेस मेकर, बता दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मेरा हेक्सोकाइनेस पेस मेकर नहीं है। मेरा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है क्या? हाँ, एकदम सही है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम सही है कि मेरा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस जो है मेरा पेस मेकर एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉट इज द नेट गेन ऑफ द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटीपी इन अ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस के टर्म्स में आपको नेट गेन ऑफ द एनर्जी, मतलब एटीपी ऑफ द ग्लाइकोलिसिस की अगर मैं बात करूंगा, तो नेट गेन ऑफ द एनर्जी यहाँ पे बताना है। तो क्या आएगा बता दो, क्या आएगा बता दो। एटीपी, मेरे दो एटीपी निकलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ये सबको पता है, ठीक है। नेट गेन मेरा 2 होता है, मतलब ऐसे तो 4 निकलते हैं, 2 का तो यूज भी करते हैं ना, तो ये हमारा 2 ATP आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज पाइरुविक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच इज व्हाट इज ट्रू ट्रू अबाउट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस? ओके, 2 पाइरुविक एसिड, 2 ATP एंड 2 NADH2। तो मेरा ये जो फर्स्ट आंसर है, मेरे को वही सही लग रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, जब आपके ग्लाइकोलिसिस जो है आपका 2 पाइरुविक एसिड को रिलीज करता है, उसके साथ 2 ATP और 2 NADPH2 को रिलीज करता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, जो पहली इरिवर्सिबल रिएक्शन जो मेरी ग्लाइकोलिसिस की होती है, तो किसके वजह से होती है? मेरे हेक्सोकाइनेस, सबको पता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सब्सट्रेट ऑफ द हेक्सोकाइनेस इन अ ग्लाइकोलिसिस? एज एन सब्सट्रेट किसको यूज करते हैं एज एन हेक्सोकाइनेस इन अ ग्लाइकोलिसिस के अंदर? तो ग्लूकोज गैलेक्टोज बता दीजिए, किसको यूज कर सकते हैं हम? दोनों को भी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को, दोनों को भी सब्सट्रेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेप इज इरिवर्सिबल इन ग्लाइकोलिसिस? कौन सी स्टेप मेरी इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है? फोटोफॉस्फोलराइजेशन ऑफ द ग्लूकोज का, जब मेरा होता है फोटोफॉस्फोलराइजेशन ऑफ द ग्लूकोज का, तो ये जो है मेरी इरिवर्सिबल है। कैसी है? इरिवर्सिबल है। फोटो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोराइजेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी मेरा इरिवर्सिबल है। पेपकेस से पाइरेट जो बन रहा है मेरा, वो भी इरिवर्सिबल है। कैसा है? इरिवर्सिबल है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डीवी एचपी एंड पीजीएल के अगर करूंगा मैं, तो एकदम सही है मेरा ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्टली इनकरेक्टली मैच बताना है। मेरा पीजीएल क्या 6 कार्बन होता है क्या, बता दो। पीजीएल मेरा 6 कार्बन नहीं, मेरा 5 कार्बन होता है, तो ये चीज आपका पहला ही करेक्ट इनकरेक्ट आ गया। तो फॉस्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 1 6 बिस्फॉस्फेट मेरा 6 कार्बन आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीजीएल एन डी एच ए पी ड्राइव शुगर फॉर्म इन अ ग्लाइकोलिसिस आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द फ्रक्टोज 1 6 बिस्फॉस्फेट। ओके, तो मेरी पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पे बता रखी है, तो मेरी पहली स्टेटमेंट तो दोनों भी राइट है, फर्स्ट भी राइट है, क्योंकि पीजीएल और या ट्राइगो शुगर फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस से, और फ्रक्टोज 1 6 बिस्फॉस्फेट में ब्रेकडाउन होते हैं, तो ये चीज आपका सही है। उसके बाद पाइरुवेट काइनेस इज द लास्ट एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, तो मेरा पाइरुवेट काइनेस जो है मेरा लास्ट एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, एकदम सही बात कर रहा है, तो मेरा बोथ ए एंड डी यहाँ पे चले जाएगा। ये स्टेटमेंट को याद रख लेना कि मेरा पीजीएल और डीएचएपीआई ट्रायो शुगर को फॉर्म करता है ग्लाइकोलिसिस में, जब ये ब्रेकडाउन कहाँ से हो जाता है, मेरा फ्रक्टोज 1 6 बिस्फॉस्फेट से ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग टू प्रोड्यूस अ 2 ट्रायो शुगर लाइक डीएचएपी एंड पीजीएल? ओके, तो मेरा अभी देखा हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की यहाँ पे बात की थी हमने, तो ये चीज आपको पता होनी थी, 1 6 बिस्फॉस्फेट की यहाँ पे बात की थी, तो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस इज एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी? एटीपी का यूटिलाइजेशन में को मेरे को इनकी स्टेप बतानी है, तो मेरा ग्लूकोज से ग्लूकोज ग्लूकोज से
ग्लूकोज से ग्लूकोज और सिक्स ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट एकदम सही है, मेरा यूटिलाइज होता है यहाँ पे एटीपी। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बेस फॉस्फेट में भी मेरा एटीपी यूज होता है, दो एटीपी यहाँ पे यूज होते हैं, तो मेरा बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग विच वन इज अ फॉल्स फॉर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या फॉल्स है बता सकते हो आप, बता दीजिए फॉल्स क्या है मेरे ग्लाइकोलिसिस के लिए यहाँ पर। तो मेरा फॉल्स जो है एटीपी इज फॉर्म एटीपी इज यूज, ओके सब्सटेंस लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, अगर एंड प्रोडक्ट मेरे ये होते हैं क्या बता, तो मेरा पायरिक एसिड होता है ना, पायरिक एसिड होता है, ठीक है इस तरीके से याद रखना है, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोड्यूस इन, अच्छा टू अब फिर से आ गया क्वेश्चन रिपीटेड, फ्रक्टोस 1,6-बेस फॉस्फेट, ठीक है क्वेश्चन रिपीट हो गया ठीक है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्रक्टोज ग्लाइकोलिसिस टोटल 9 एंजाइम आर रिक्वायर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्रक्टोज के लिए इन ग्लाइकोलिसिस में टोटल 9 एंजाइम मेरे रिक्वायर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और पाइरुवेट काइनेज इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, ओके एकदम सही है, मेरा लास्ट एंजाइम है ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, तो ये मेरा साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो बी इज ओनली कि करेक्ट पूछा है ना, तो बी मेरा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एंजाइम विच इज टेक पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस आफ्टर आर फाउंडिंग, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखने को मिलेंगे, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रिक्वायरिंग ग्लाइकोलिसिस, कौन सी फॉलोइंग है जो मेरे ग्लाइकोलिसिस के लिए रिक्वायर नहीं है, एन डी एच मेरा कभी भी रिक्वायर नहीं, काइनेज आता है फ्रक्टोकाइनेज भी आ जाएगा एटीपी भी आ जाएगा, तो मेरा ये रिक्वायर नहीं है मुझे। नेक्स्ट बात करते हैं, डी एच ए पी शुगर आइसोमरेज इन टू द, मेरा डी एच ए पी मेरा जो शुगर है किसके अंदर आइसोमरेज होता है, पी जी ए एल, ये प्लीज याद रख लेना ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, मेरा साइटोप्लाज्म में कौन सा एंजाइम देखने को मिलता है, एल्डोलेज, एल्डोलेज जो एंजाइम है मेरा आपको साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेटेड देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा क्या किस तरीके से हम कर रहे हैं। फैट ऑफ द पायरुविक एसिड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज, जो मेरा फैट ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर आपको देखने को मिलता है वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कैसे देखने को मिलता है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन याद रख लेना, मेरा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस इज यूज टू कन्वर्टिंग, मेरा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस किस चीज के लिए कन्वर्जन में हम यूज करते हैं, हमारा पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं हमारा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस, ठीक है इसी तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखने के लिए, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।